अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसीज़। मैं हूँ नूर और आप देख रहे हैं बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसीज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मेरा टॉपिक है पार्किंग कार वॉश पे। जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि पार्किंग कार वॉश एक ऐसा बिज़नेस जिसकी पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं और पार्क है वहाँ पर, और आपने कार वॉश की सर्विस प्रोवाइड करनी है। जी हाँ, बिल्कुल, आपको कोई गैरेज की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, बहुत कन्वीनियंट है उन लोगों के लिए जो अपना गैरेज नहीं बना सकते, क्योंकि गैरेज बनाने के लिए आपको पता है यहाँ पर आपको ईयरली पेमेंट होती है गैरेज की, फिर उसके और अखराजात हैं, यू नो, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर का प्रॉब्लम है, फिर और कॉस्ट है। तो उस सब को बचने के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि पार्किंग कार वॉश का आप बिज़नेस स्टार्ट करें। और इस बिज़नेस का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको गैरेज की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि पार्किंग कार वॉश हम कैसे स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान जवाब है उन लोगों के लिए जो यूएई में रहते हैं या जो यूएई से दूर हैं। सबको मालूम है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े लेवल के मॉल हैं, इतने बड़े लेवल के मॉल हैं कि यहाँ पर पार्किंग की गाड़ियाँ हज़ारों की तादाद में हैं। इवन डेट जब एडवर्टिजमेंट, कोई भी मॉल अपनी एडवर्टिजमेंट करता है तो अपनी एडवर्टाइज़ के थ्रू वो ये बताता है कि हमारे पास इतनी पार्किंग, इतने सौ, इतने हज़ार में पार्किंग की गाड़ियों की पार्किंग की जगह मौजूद है, हमारे पास पार्किंग अवेलेबल है, इतनी गाड़ियों की पार्किंग अवेलेबल है। तो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है, क्योंकि पूरी यूएई में आप जहाँ भी पार्क करते हैं तो बाहर आपको पार्किंग पेड होती है, जो कि पर आर यूएई चार्ज करता है। अगर आप किसी भी मॉल में जाते हैं और वो आपको फ्री पार्किंग प्रोवाइड करता है तो ये बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव फीचर है कस्टमर्स के लिए। और कस्टमर बज़ाहते, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वहां जाना पसंद करूंगी जहां पर पार्किंग फ्री होगी, उस मॉल में जाना पसंद करूंगी। तो मोस्टली यहां पे मॉल हैं वो फ्री पार्किंग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि फ्री पार्किंग में आप जाएं, वहां पे अपनी आप एक वैन रखें, वैन के अंदर आप ड्राइवर, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये भी देखा है और लोगों से सुना भी है कि यहाँ पर वैन में जो ड्राइवर होता है वही कार वॉश की सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी कि आप हायर कर, मल्टीपल स्किल का बंदा आप हायर कर लें जो आपको का ड्राइविंग भी जानता हो और कार वॉश भी आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग खुद भी करते हैं, ऑब्वियसली इनिशियल स्टार्ट में आप खुद करें और एक दो बंदे अपनी हेल्प के लिए हायर कर लें और अपना कार वॉश स्टार्ट करें। एक मशीन मिलती है जो जिसमें एयर होता है, सोप होता है, लिक्विड होता है, क्लोथ होता है, केमिकल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं कार को साफ़ करने के लिए। अगर आप मशीन की मदद नहीं लेना चाहते, आप अपने वो एक बकेट्स का सिस्टम है यहाँ पे, ट्रॉली मिलती है, ट्रॉलीज में लोग रखते हैं और उसमें लिक्विड और सब कुछ होता है। आप वहाँ आप जाएं सुबह 9, हर मॉल में सुबह 9 से शाम रात, सुबह 9 से रात 12 बजे तक मॉल खुले होते हैं। आप जाएं, पूरे 12 घंटे की ड्यूटी है। मोस्टली लोग, ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे सारे लोग जॉबियंस हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा काम कर सके। तो जॉब बहुत हेक्टिक हो जाती है, थक के इंसान जाता है, तो वो गाड़ी साफ़ करने की खुद नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं, कार वॉश के थ्रू जो पार्किंग कार वॉश के फैसिलिटीज़ है उसको अवेल कर लेते हैं। बाहर भी, इवन डेट रोड्स पे भी पेड पार्किंग है, बिल्डिंग्स में भी पार्किंग होती है, वहाँ चले जाएं, वहाँ पे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप अपना नंबर दें, अपना डिस्प्ले, अपनी मार्केटिंग करें, वहाँ पर आप अपने एड्स लगा दें, छोटे छोटे पम्फलेट्स और बैनर्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव फीचर है और यहाँ पर हर बंदे के पास गाड़ी है तो सबको गाड़ी तो साफ़ करवानी ही है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है उन लोगों के लिए जो गैरेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटे लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करें, और इसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मुल्क ऐसे हैं जो कि आपको पता है कि बहुत यहाँ पे आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से आप लाखों रुपये कमा सकते हैं और यहाँ पर भी आपको बहुत बचत है इस चीज़ में। उसके बाद आप अपनी टीम भी बड़ी कर सकते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक मॉल में, अगर आप एक मॉल ले लेते हैं, एक चले जाते हैं एक मॉल में पेड पार्किंग एरिया में,
या ऑफिसेज के बाहर जो पार्किंग है वहाँ पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको देखें कि कितने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, कितनी कितनी फ्लोर्स पे वो बिल्डिंग्स होती हैं, और एक बिल्डिंग में कितने 100 ऑफिसेज होते हैं, और एक ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं। तो मोस्टली बहुत सारे लोगों के पास, अगर मैं परसेंटेज के वाइज जाऊँ को या ऑफिस लेवल पे जाऊँ और मॉल लेवल पे जाऊँ, तो अगर हम ऑफिस की बात करें तो एक अगर एक ऑफिस में 8 से 10 एम्प्लॉय काम करते हैं तो 4 से 5 के दरमियान तो गाड़ी उनके पास होगी ही होगी। तो आप परसेंटेज देख लें कि 50 to 70 की एवरेज लगा लें, इतने परसेंट लोगों के पास गाड़ियां हैं। तो कार वॉश सबने करवानी है, तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है, पोर्टेबल बिजनेस है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। बस आपको क्या करना है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बग़ैर लाइसेंस के आप यूएई में कोई काम नहीं कर सकते, तो आप लोग लाइसेंस बनाएं। अब हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लाइसेंस बनवाएंगे जिसमें आपके इनिशियल अप्रूवल, नेम अप्रूवल, आपके लाइसेंस कॉस्ट, आपका मेमोरेंडम फी और आपका वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस आप, क्योंकि ऑफिस के बगैर लाइसेंस नहीं बनता, तो गवर्नमेंट ने एक और फैसिलिटी दिया कि आप वर्चुअल ऑफिस को अवेल कर सकते हैं। तो वर्चुअल ऑफिस आप लेना चाहें या आप अपना ऑफिस रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। और एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि लोकल स्पॉन्सर को गवर्नमेंट ने हटा दिया है, लोकल स्पॉन्सर की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दी है। तो आप 100% ऑनर हैं, अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हैं, सुबह उठें, शाम उठें, सुबह जाएं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी आपके नाम होगा, बैंक अकाउंट आपके नाम, हर चीज़ आपके नाम होगी। तो आप देर किस बात की, अभी इसके बारे में आप हमसे रابطہ करें, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आज ही आएँ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।